नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज हम सर्दी का समय चल रहा है और सर्दी में किस तरह से आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो आपका एयर पंप है उसको क्या करना है, इस तरह से पैक करना है, ये इसको पैक करना है। और पैक करने के बाद जो है इसको खोलिए थोड़ा सा, इसको इस तरह से एयर हीटर होता है, एयर ब्लोअर, उसको हीटर से जो है हीटर इसमें लगाएंगे। इसके अंदर जो गर्मी होगा इसको क्या करेगा, खींच के जो है टैंक के अंदर ले जाएगा और आपका टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। या थर्मोस हीटर आता है, एक थर्मोस हीटर आप लेकर के एक एक टैंक में एक 3000 पावर का लगा देंगे तो उससे भी आपका 32 पे 28 पे 30 पे करके उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिए। उसके बाद इसको देखिए कि इस तरह से इसको पोलोथीन से पैक करना है। ब्लैक कलर का पोलोथीन जो है वो नहीं लगाना है, व्हाइट पोलोथीन लगाना है। व्हाइट पोलोथीन में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है वो अंदर आता है और ब्लैक पोलोथीन में क्या होता है, प्रकाश जो है नहीं आ पाता है। इसके लिए इसको अगर लगाना भी है तो आप बीच बीच में गैप करके लगाइए, जैसे मैं लगाया हुआ हूँ, और अंदर का पूरा टेम्परेचर आपका कंट्रोल रहेगा। आप आइए, मैं थोड़ा कंट्रोल टेम्परेचर के बारे में देखेंगे कि इसको किस तरह से हम पैक किए हैं। नीचे से ये ग्रीन नेट लगा हुआ ही है, उसके ऊपर से हम ये तिरपाल को लगा दिए हैं ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल प्रवेश ना कर सके। और अभी आपको अंदर का टेम्परेचर दिखाएंगे कि है कितना। आइए, इसके अंदर जो है अभी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है ना, थोड़ा गर्मी जैसे महसूस हो रहा है। और इसके अंदर जो है अभी यहाँ पे 30 डिग्री जो है दिखा रहा है, थोड़ा दूर से 30 डिग्री दिखा रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें और भी है, एक थर्मोस हीटर होता है और एक 3-4 इसमें 3000 का हेलोजन भी लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरा अभी मेंटेन हो रहा है इसलिए हम अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं।